रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह की पहली किरण के साथ कृतिका अपनी सुरीली आवाज में घर के मंदिर में बैठकर हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करते हुए गाती है। पहली तारीख को सैलरी लाए, सैलरी ला कर मुझे थमाए और कहे लो उड़ा लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान, जैसी आराम बोलो जैसी आराम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। कीर्तन करने से औकात से बाहर की चीजें भी मिलती है क्या? ऐसा पति होगा तब मिलेगा ना। मेरी खिल्ली उड़ाए बिना तुझे चैन नहीं है ना, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? दिख रहा है ना मैं पूजा करने बैठी हूँ। अरे तू तो हमेशा ही पूजा करती है, पूजा से फ्री होती है तो मंजीरा लेकर कीर्तन करना शुरू कर देती है। अरे इस मंदिर से बाहर भी एक दुनिया है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझा? सही है, पुजारा नहीं रही हो हमेशा तू, सबसे बड़ी भक्त तू ही तो रही है भगवान की। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से आकर उसकी माँ अर्चना जोर से उसके कान मरोड़ते हुए बोलती है। क्या दिक्कत क्या है तुझे? खुद तो मंदिर के आसपास भी नहीं भटकता, वो बेचारी कम से कम कीर्तन भजन करके भगवान का ध्यान तो कर रही है, उसमें भी उसे परेशान करने चला आता है। माँ कान छोड़ो, अरे माँ लोग कीर्तन भजन करके भगवान को याद करते हैं, उनके गुण गाते हैं, पर ये तो कीर्तन गाकर भी भगवान से कुछ ना कुछ मांगती रहती है। हे भगवान, हे भगवान, मेरे भाई को करो बुद्धि प्रदान। देख नलायक देख, भजन गाकर भी तुझे बुद्धि देने की प्रार्थना कर रही है। अरे इतनी संस्कारी औलाद भगवान सबको दे। इतना कहकर वो राजन को कान पकड़े वहाँ से ले जाती है। कृतिका बहुत ही शांत और पूजा पाठ में लीन रहने वाली लड़की थी, जहाँ आजकल की लड़कियाँ अपने खाली समय में फोन लेकर बैठा करती है, वही कृतिका अपना खाली समय भजन कीर्तन में बिताया करती थी, जिसके कारण उसकी माँ उसे हमेशा खुश रहती। समय बीतता है और उसे देखने लड़के वाले आते हैं। तभी कृतिका सुंदर सा सूट पहनकर सर पर पल्लू लिए बाहर आती है और उसे देखकर लड़के की माँ मंजरी बोलती है, बहन जी लड़की तो आपकी बड़ी सुंदर है, नाम क्या है? जी मेरा नाम कृतिका है। अरे वाह वाह, बोली तो बड़ी ही मीठी है। वो तो होगी ना बहन जी, मेरी कृतिका भजन कीर्तन जो गाती है। सच कहूँ तो इसे फोन फान चलाने का इतना शौक नहीं है जितना भजन कीर्तन का है। अरे वाह बेटा, जरा एक आधा भजन गा के सुना दे। मैं तो चली आई मैया तुझे भोग लगाने, मैं तो चली आई मैया तुझे भोग लगाने, चाहे तू खा ले चाहे ना खा ले। बोलो माता रानी की जय हो। मुझे ये माता मेरा मतलब मुझे लड़की पसंद है। अनंत की इतना कहते ही सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाज के साथ कृतिका और अनंत शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय कृतिका दरवाजे पर रखे कलश को गिराती है कर गाती है, मैं परदेसी हूँ पहली बार आई हूँ, दर्शन करने सासू माँ के दरबार आई हूँ, जयकारा मंजरी मादा, बोल सासू माँ दरबार की जय। बहू यहाँ किसी मंदिर का उद्घाटन या जगराता नहीं हो रहा जो तू जयकारे लगा रही है। अरे तू ससुराल में प्रवेश कर रही है अपने, तो ये जयकारे क्यों लगा रही है? सासू माँ मेरा ससुराल मेरे लिए मंदिर समान है और आप उस मंदिर की देवी, अब मंदिर आई हूँ तो जयकारा लगाए बिना अंदर कैसे आ जाऊँ? अब भजन जयकारा हो गया हो तो अंदर चलें देवी, मेरा मतलब कृतिका। जी जी बिल्कुल। जिसके बाद दोनों अंदर आते हैं। ऐसे ही ससुराल आकर भी कृतिका किचन से ज्यादातर समय मंदिर में पूजा पाठ करके बिताती। एक सुबह वो आरती की थाली लिए अपनी सास के कमरे में जा रही होती है, तभी वो देखती है कि कंधे पर तौलिया लिए पूरे हॉल में इधर उधर करते हुए उसका पति कुछ ढूंढ रहा है और उसे ऐसे परेशान इधर उधर करता देख कृतिका बोलती है, भटकता डोले काहे प्राणी चला आ मेरी, तू शर
करता तुझको चाहिए क्या, मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की भटकता डोले काहे प्राणी। जब तुम कीर्तन करने में बिजी रहोगी तो मुझे अपनी चीजों के लिए भटकना ही पड़ेगा ना। अभी मुझे नहाना है पर तोलिया ही नहीं मिल रहा, बताओ। उसकी बात सुनकर कृतिका उसके कंधे से तोलिया उतारकर उसके हाथ में थमाकर बोलती है, हे प्रभु, ऐसा पति तो नहीं मांगा था मैंने आपसे। जाइए जाकर नहा लीजिए और आगे से ऐसे भटकते मत डोलिएगा। अरे ये तो मेरे कंधे पर ही था, पर मैंने इसे अपने कंधे पर कब रखा। छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा वरना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। रात के समय जब सभी खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी कृतिका एक कमंडल में गंगा जल लिए थोड़ा थोड़ा अपनी सास और पति पर छिड़क देती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू, रात के समय खाना देने का होता है तो कमंडल में क्या ले आई। सासू माँ, ये गंगा जल है, संध्या पूजा करते समय पूरे घर में छिड़क दिया था, बस आप दोनों ही रह गए थे। अरे ओ, हम कौन सा किसी शोक सभा से लौटे हैं जो तू हमारा रात को शुद्धिकरण कर रही है। अब खाना भी ला दो, यहाँ पेट में आग लगी पड़ी है। तो पानी पीकर बुझा लीजिए, पहले भगवान को भोग लगेगा तभी तो प्रसाद मिलेगा ना। प्रसाद? माँ कहीं हलवा पूरी तो नहीं खिलाने वाली ना। इसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता वही खिलाए। अरे अब खाना भी ले आ। तभी कृतिका किचन से जाकर खाना लाती है और परोसते हुए बोलती है, आओ आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। माँ, इसका कीर्तन हमेशा चालू रहता है क्या? इसको खाने के टाइम भी चैन नहीं है। तू भोग लगा, मेरा मतलब है कि खाना खा। बहू, तू जरा पानी ला दे। पानी क्या, मैं शरबत ले आऊं मेरे भगवन, आओ आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। ऐसे ही गाती ताली बजाती वो किचन की तरफ चली जाती है। इसी तरह घर वालों की सुबह कृतिका की भजन आरती से ही हुआ करती थी। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन अनंत कृतिका को बोलता है, सुनो, अगले हफ्ते माँ का जन्मदिन है, मैं सोच रहा था उन्हें एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करूं, क्या कहती हो? क्या, सासू माँ का जन्मदिन आने वाला है, फिर ये अवसर तो बहुत अच्छा रहेगा। किस लिए अच्छा रहेगा? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे आप, साड़ी ना? हाँ, आप सासू माँ के लिए एक जरीदार साड़ी लेकर आना। ठीक है। जिसके बाद वो ऑफिस निकल जाता है और कृतिका मंजरी को चाय देकर उसके पास बैठते हुए कहती है, सासू माँ, ये बता रहे थे कि आपका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं सोच रही थी आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं घर में माता का कीर्तन रखूं। वो तो तू रोज ही करती है बहू। नहीं, मतलब सभी औरतों को बुलाकर मंदिर के सामने बैठकर वैसे कीर्तन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। अकेले कीर्तन कर करके तू उब गई होगी, इसीलिए सामूहिक कीर्तन करवाना चाहती है। चल कोई नहीं, तेरा मन है तो करवा लेते हैं कीर्तन। मंजरी के हाँ करते ही कृतिका खुश हो जाती है। दिन बीतते हैं और मंजरी के जन्मदिन वाले दिन हॉल में गद्दे वद्दे बिछाए, ढोलक मंजीरा लिए मंजरी सभी पड़ोसनों के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर में पड़ोसने वहाँ आती है, तभी वो सबके सर पर लाल चुनरी बांध देती है और बोलती है, पड़ोसन बहनों, सासू माँ के जन्मदिन के अवसर पर माता का कीर्तन रखा है। कीर्तन सभा शुरू करने से पहले सभी साथ में जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। मंजरी काकी, तुम्हारी बहू तो बड़ी संस्कारी है, जरूर आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो ऐसी बहू मिली। अरे तू मंजीरा पकड़ और शुरू हो जा, क्यों कृतिका बहन? हाँ, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। चैटिंग शैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। अरे बहू, ये कौन सा भजन है, मैंने तो नहीं सुना। अरे सासू माँ, इसलिए कहती हूँ, अड़ोस पड़ोस में भजन कीर्तन हो तो जाया करो, थोड़ा ज्ञान मिलेगा। क्यों पड़ोसनो? बिल्कुल ठीक। अरे कृतिका बहन, कीर्तन में एक भजन सासू माँ के लिए भी गाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी शेरा वाली माँ, बुढ़ापा सासू को मत देना, हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिरे।
गिराओ, हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिराओ। अरे हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिराओ, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां उन्हें मत देना। मेरी शेरा वाली माँ, बुढ़ापा सासू को मत देना। ऐसे ही कुछ देर तक कीर्तन चलता है, जिसके बाद सभी प्रसाद लिए घर चली जाती हैं। और फिर अनंत और कृतिका मिलकर मंजरी का जन्मदिन केक कट करते हैं और अनंत उसे एक बढ़िया सी साड़ी देता है। तभी मंजरी बोलती है, आज तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया और बहुत तेरा तेरा तो कीर्तन ही निराला है। वो तो है सासु माँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।